क्या आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है और आपको प्रोस्टेट की बीमारी है और आपको यूरिन बहुत धीरे धीरे जाता है, रुक रुक के जाता है और आप इस बात से परेशान हैं, तो ये वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या प्रोस्टेट भरने के कारण पेशेंट्स को यूरिन बराबर से पास नहीं होता है। अगर इनिशियल स्टेजेस पे है तो हम दवाइयों मतलब टैम्सुलोसिन या अल्फा एगोनिस्टिक इनहिबिटर से हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अगर ज्यादा बढ़ी हुई है तो हम इसमें दो ट्रीटमेंट ऑप्शन देते हैं, एक रहता है प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन और एक रहता है TURP मतलब ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन में हम उन नसों को जो प्रोस्टेट को सप्लाई करती हैं उनको हम जाके बंद कर देते हैं। ये हम नसें बंद छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम PVA पार्टिकल्स बोलते हैं उनसे हम बंद करते हैं। ये ट्रीटमेंट का एडवांटेज है कि इसमें कोई भी टाका या कट या सूचर नहीं होता है, मतलब एक छोटी सी सुई जिसको हम पिन होल बोलते हैं उससे होता है। ये एक डे के प्रोसीजर है, मतलब सुबह करके हम शाम को पेशेंट्स को घर भेज देते हैं और पेशेंट्स लोकल एनेस्थीसिया में रहता है, तो मतलब पेशेंट कॉन्शियस रहता है और पेशेंट को पता रहता है कि क्या हो रहा है। ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट में हम प्रोस्टेट की ग्लैंड को जाके छोटा कर देते हैं जिसमें हम सर्जिकली उसको रिमूव करते हैं। इसका एडवांटेज है कि इसके रिजल्ट्स इमीडिएट देखने को मिलते हैं, मतलब पेशेंट को बेनिफिट इमीडिएटली मिलता है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक एनेस्थीसिया देना पड़ता है तो एनेस्थीसिया के रिस्क एसोसिएट होते हैं, तो अगर पेशेंट का हार्ट का फंक्शनिंग कम है तो ये प्रोसीजर थोड़ा रिस्की हो जाता है। दूसरा, इसके कारण पेशेंट्स को इजैक्युलेशन में तकलीफ हो सकती है। प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन का एक साइड इफेक्ट यह है कि इसके रिजल्ट्स 2 से 3 महीने के बाद देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें हम जाके प्रोस्टेट को निकालते नहीं है, उसको जो खून की नस है उसको जाके हम बंद करते हैं। हमने जो पेशेंट्स ट्रीट किए हैं उनके रिजल्ट्स प्रोस्टेट एम्बोलाइजेशन के बाद काफी अच्छे हैं और पेशेंट्स को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। अगर आपको ऑपरेशन से डर है तो प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पे प्लीज हमें फोन कॉल कीजिए। थैंक यू।